नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं अर्णव आर्या। अभी दूसरा चरण का इलेक्शन चालू हो चुका है समस्तीपुर में। 28 तारीख को इलेक्शन है समस्तीपुर में और मैं मैडम से बात करूंगा। मैडम आपको मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। तो मैडम इस बार सबसे पहला आपका अपना परिचय बताइए। मैम मेरा नाम अनिता देवी है, मैं वार्ड नंबर 23 से वार्ड पार्षद पद के लिए खड़ी हूँ। तो मैम सबसे पहला काम मैम आपके वार्ड में क्या होगा? सबसे पहला काम होगा जिन लोगों के घरों में अपने वार्ड में नल जल योजना नहीं है, उसे हमें हर घर में लाना है। नल और जल हर घर में लाना है, ये आपका सबसे पहला काम रहेगा वार्ड में। वार्ड नंबर 23 में है ना मैम? हाँ। तो मैम आपको मैं 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? आपके वार्ड में 5 ऐसा क्या काम कीजिएगा जनता के बीच? पहला है जैसे पूरे बाजार में वार्ड नंबर 23 में कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसे मैं कराऊंगी। जिसे लोगों को बहुत आने जाने वाले लोगों को या बाजार में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत होता है, क्योंकि इसलिए शौचालय का आपका काम रहेगा ना? हाँ, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जो होगी। और दूसरा है इतना अपराध होता है तो उसके लिए हर गली में CCTV कैमरा होना चाहिए। आज दिन मैम आज दिन अपराध बहुत ज्यादा हो गया है, उसके लिए मैम हर वार्ड में आप CCTV कैमरा लगाएगा? हाँ, हर वार्ड में हम CCTV कैमरा लगवाएंगे जिससे निगरानी हो सके, लोगों को CCTV कैमरा होना चाहिए। आज दिन मैम आज दिन अपराध बहुत ज्यादा हो गया है, उसके लिए मैम हर वार्ड में आप CCTV कैमरा लगाएगा? हाँ, हर वार्ड में हम CCTV कैमरा लगवाएंगे जिससे निगरानी हो सके, लोगों को सुविधा मिल सके। और जैसे गली गली में इतना कचरा रहता है, नाला इतना गंदा रहता है, वो कचरे का सफाई होगा, नाली का सफाई होगा, जिससे कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है वो सबसे रोक होगा। मतलब मैम हर वार्ड में आप कूड़ा के लिए कूड़ेदान के लिए लोग रहेगा? हाँ, वो सब डस्टबिन हर वार्ड में रहेगा? डस्टबिन रहेगा और नाली की सफाई हर समय होगी जिससे कि गंदगी ना हो, गंदगी ना फैले। और मैम इंदिरा आवास मैम गरीब लोग को नहीं मिल पाता है, उसके बारे में क्या कहना, सरकार का क्या कहना है? इंदिरा आवास जो सरकार जितना व्यवस्था देती है लोगों के बीच पहुँचाने की, वो मैं लोगों के बीच पहुँचाऊँगी अपने वार्ड में। हर घर में जिन्हें जरूरत है इंदिरा आवास की वो मैं उन्हें दिलाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। जो भी काम आएगा मतलब सरकार के लिए जो भी काम आएगा सरकार के हित, तो वो जनता तक आप पहुँचाइएगा? हाँ, वो जनता तक हम पहुँचाएंगे। और भी है जैसे स्वास्थ्य केंद्र के लिए मतलब हर वार्ड में क्लिनिक खुलवाइएगा? हाँ, हर वार्ड में स्वास्थ्य के लिए क्लिनिक खुलवाएंगे हम, जिससे लोगों को ज़्यादा दूर न जाना पड़े, परेशानी न हो। आज दिन जैसे तबियत खराब आपको हो जाता है तो हर एक वार्ड में क्लिनिक के कारण आदमी सरकार के लिए जो भी काम आएगा सरकार के हित, तो वो जनता तक आप पहुँचाइएगा? हाँ, वो जनता तक हम पहुँचाएंगे। और भी है जैसे स्वास्थ्य केंद्र के लिए मतलब हर वार्ड में क्लिनिक खुलवाइएगा? हाँ, हर वार्ड में स्वास्थ्य के लिए क्लिनिक खुलवाएंगे हम, जिससे लोगों को ज़्यादा दूर न जाना पड़े, परेशानी न हो। आज दिन जैसे तबियत खराब आपको हो जाता है तो हर एक वार्ड में क्लिनिक के कारण आदमी वहीं पर घर के बारे में रहने के लिए तो वहाँ पर इलाज करवा सकता है। हाँ, वो हो गया। छोटे छोटे बच्चों के लिए जैसे पढ़ाई वढ़ाई का व्यवस्था है, पढ़ाई का अब जहाँ पे बच्चे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं वहाँ पे छोटा छोटा एक संस्था भी चलता है और वो भी हम करवाएंगे। मैम वो बच्चा जो पढ़ाई करेगा मैम तो उसका क्या फ्री में पढ़ाई करेगा? हाँ, वो सब फ्री में पढ़ाई करेगा। तो हर वार्ड में मैम हर वार्ड में शिक्षा के लिए वहाँ पे बच्चे के लिए वहाँ पे आप क्लास करवाइएगा? हाँ, छोटा छोटा बच्चा के लिए हम क्लास करवाएंगे, क्योंकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, छोटे छोटे हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं, तो उसके लिए हम व्यवस्था करवाएंगे। क्योंकि मैम आए दिन शिक्षा आज के दिन कहीं भी नहीं मिलता है, बच्चे लोग कहीं भी पढ़ते नहीं है, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि होटल में या कहीं भी काम करते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे हर वार्ड में शिक्षा आप वहाँ पे करवाइएगा? हाँ, शिक्षा का व्यवस्था हम करवाएंगे। और मैम नया साल आ रहा है, जनता को अपने मेरे चैनल के द्वारा नया साल में जनता को क्या बोलना चाहिएगा, और चैनल के द्वारा पूरे यहाँ के जो भी समाज लोग आपके जो देख रहे हैं तो उनको कहेंगे, हमारे भाई बहन हो, माताएं हैं, उनसे यही कहेंगे कि हमें एक मौका दें, हमें भारी मतों से जिताएं कि हम जीत कर जो भी सरकारी काम हो उन्हें उन लोगों के द्वारा
उनके पास पहुंचाने का कार्य हम बहुत अच्छी तरीका से करें और उन्हें किसी भी तरह का कोई शिकायत न हो हमसे। उन्हें जहां तक हो हम वहां तक उनके लिए तैयार रहेंगे हर समय अपना काम करने के लिए। मैं अन्ना वारिया कैमरामैन सोनू के साथ, धन्यवाद।